ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांति वन के नजदीक बने आनंद सरोवर परिसर में नए दिव्य अनुभूति हॉल का उद्घाटन संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की दिव्य उपस्थिति में हुआ। उनके अलावा संस्था के अतिरिक्त महासचिव वीके ब्रजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका वीके मुन्नी दीदी, वीके संतोष दीदी, कार्यकारी सचिव वीके मृत्युंजय, सूचना निदेशक वीके करुणा, आवास निवास के प्रभारी वीके देव समेत देश भर से आई वरिष्ठ वीके बहनें उपस्थित रहीं। आनंद सरोवर परिसर में पहले केवल आवास निवास की व्यवस्था थी, लेकिन अब दिव्य अनुभूति हॉल के उद्घाटन से यहाँ रुकने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। लोग इसी परिसर में ही क्लासेस और मेडिटेशन का आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ ही डाइनिंग हॉल में लोग भोजन भी कर पाएंगे। भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विभाग द्वारा व्यसन मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे अभियान मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत बीके सदस्य बिहार के मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहां तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा ने व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए तैयार की गई विशेष मोबाइल वैन का अवलोकन किया और संदेश देने के लिए रवाना किया। आयुक्त गोपाल मीणा ने बीके राजीव से मोबाइल वैन द्वारा व्यसन मुक्ति का संदेश देने के बारे में जानकारी ली। बीके राजीव के जवाबों से आयुक्त काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा व्यसन मुक्त बनाने का ये तरीका नया और नायाब। एनफोर्समेंट के बजाय लोगों के दिल से अगर ये स्वीकार करे, उसकी खराबी को समझे लोग, तो सबसे अच्छी बात होगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। इस मौके पर मद्य निषेध और उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय, समाज सेवी HL गुप्ता, ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। आयुक्त से मिली हरी झंडी के बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में वैन द्वारा बीके सदस्यों ने 9 स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को नशा मुक्त जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया। देखिए उसकी तस्वीरें। आज क्या सीखे? आज बहुत कुछ सीखे। क्या सीखे? गुटखा पान पता नहीं खाना चाहिए। ये जीवन में कभी नहीं लेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों भाई साहब? जी नहीं लेंगे। नशीले पदार्थों का सेवन केवल व्यक्ति के तन मन और धन पर ही बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि रिश्तों पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा, क्रोधी, तनावग्रस्त और अपनी जिम्मेवारियों से अलबेला हो जाता है। व्यसन आज मानव जनित समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए विश्व भर के देश प्रयासरत हैं। भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्थान सरकार के सहयोग से लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक कर रही है। बीके सदस्य मोबाइल वैन में लगी LED के माध्यम से लोगों को व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हैं और साथ में राजयोग मेडिटेशन द्वारा व्यसन मुक्त होने का संदेश भी देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे, आपका अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मुझे स्वयं की पहचान दी, अपने घर का रास्ता दिखाया। बीके राजीव बड़े ही प्यार से लोगों को व्यसन पदार्थों का त्याग कराते हैं और उन्हें दोबारा कभी भी हाथ न लगाने का संकल्प भी कराते हैं। समझ गए, बड़े बड़े लोग नहीं समझते हैं, भाग जाते हैं, है ना? इनके लिए एक बार फिर से जोर से ताली बजाओ। कितने अच्छे घर मेरा भाई है। आज समय खाने नहीं था। और बोलो इनको, कोई भी नहीं खाएगा, बोलो आपको भी नहीं खा लेगा। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग और ओडिशा के संबलपुर सब जोन ने मिलकर सुरक्षा बल जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट विषय पर अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंडालको स्मेल्टर प्लांट, स्टेट पुलिस फोर्स, आदित्य एल्यूमिनियम, बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ। इन कार्यशालाओं में सुरक्षा सेवा प्रभाग की ओर से कैप्टन शिव सिंह,
बीके जयश्री, बीके पूर्णिमा तथा बीके संजीव ने लोगों को एड्रेस किया और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए स्पिरिचुअल स्टडीज और राजयोग मेडिटेशन को बहुत ही जरूरी बताया। ये जो टॉपिक इतने जबरदस्त है, इसमें सारी बातें कवर हो जाती है, वो है जीवन में जो खुशी खुशी जो श्वास है, जीवन का श्वास है खुशी है, श्वास नहीं तो खुशी नहीं। इन सभी वर्कशॉप्स द्वारा लगभग 1200 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। दिल्ली में केजी मार्ग स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में माय इंडिया हेल्दी इंडिया थीम के तहत ब्रह्मा कुमारी राजीव नगर सेवा केंद्र द्वारा आरोग्य भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी और बीके पूर्णिमा ने सभा में मौजूद सभी लोगों को तन और मन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए टिप्स दिए, साथ ही राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी दिया। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन हुआ। अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप में बच्चों को मनोरंजन के साथ आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां और समर कैंप का आपस में गहरा नाता है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अब समर कैंप में खेल कूद के साथ निकलती हैं। समर कैंप में बच्चों को बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं जो बच्चों के पूरी जिंदगी काम आती है। ऐसे ही नज़ारा देखने को मिला अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर, जहां बच्चों को मेडिटेशन, किक बॉक्सिंग, स्टोरी टेलिंग, बागवानी करना, ग्रुप डांस, सिंगिंग और टैलेंट हंट प्रतियोगिता के माध्यम से कई हुनर सीखने को मिले। कैंप के अंतिम दिन प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को बीके आदर्श दीदी ने पुरस्कृत करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया और जीवन में आने वाली समस्याओं को धैर्यता से हैंडल करने का मंत्र दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान के महाराष्ट्र पहुंचने पर कई जेल, स्कूल और सेवा केंद्र पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, देखिए उसकी कुछ झलकियां। सबसे पहली खबर अमरावती के मोर्शी से है, जहां जेल में कैदियों को बीके भगवान ने संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी गलतियों और अपराधों की चिंता छोड़ अब प्रभु का चिंतन करें। इसके अलावा उन्होंने कैदियों से हर परिस्थिति को धैर्यता और सहनशीलता से पार करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक ज्ञानेश्वर खरात, जेलर उत्तेश्वर गायकवाड़, राजयोग शिक्षिका बीके परी उपस्थित रहे। दूसरी खबर मोर्शी सेवा केंद्र से है, जहां बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके भगवान ने बच्चों का ध्यान जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता की ओर खिंचवाया। तो वहीं अमरावती सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारी ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। आज के बच्चे बिगड़ती की बिगड़ने का पहला कारण गलत संगत। श्री कहते हैं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी मांग। चलिए अब डालिए जल्दी से कुछ और खबरों पर एक नजर। राजकोट में गुरु पूर्णिमा को लेकर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम, विधायक, कॉर्पोरेटर्स और कई समाज सेवी हुए शामिल। बीके शीतल ने दिया सतगुरु का वास्तविक परिचय और बताए उनके कर्तव्य। अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र का संयुक्त आयोजन।
सावन मास के चलते इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर सजाई 12 ज्योतिर्लिंग झांकी दर्शन करने पहुंचे कई इंदौर निवासी। दबंग केसरी मीडिया के स्टेट ब्यूरो चीफ अनिल पांडे, LIC ऑफिसर शिवांगी ओसवाल ने भी किया अवलोकन। रैली का भी आयोजन। बेंगलुरु के इसरो लेआउट सेवा केंद्र द्वारा अल्पाइन कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। नारायणा ई टेक्नो कॉलेज में भी कार्यक्रम। BK मेघा ने व्यसनों के दुष्प्रभावों से स्टूडेंट्स को किया जागरूक। आज फिलहाल इतना ही, अब लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।